सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैंने कहा था कि आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं करूंगा मैं, बस मुझे उनके हाथों में मत छोड़िएगा। हम चाहते हैं कि आप वापस सिफारत खाने जाएं। वक्त आने पर हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप मेरे बाबा करासू और महमूद पाशा के बेटे शहजादे सबाहतीन को यहाँ बुलाएंगे और आप उनके साथ तावुन करेंगे। अच्छा, मुआहिदा कहाँ है पाशा? सुल्तान मौजम वो मुआहिदा हमारे पास मौजूद है, क्या ये दुरुस्त है? जी सुल्तान मौजम, हम वो मुआहिदा हेकलर से छीन लेंगे। कोई भी हमारे हुक्म के बगैर काम नहीं करेगा। जनाब, महल से खबर मौसूल हुई है, उन्होंने अकाबा की पेशरफ नहीं रोकी और तैयारियां जारी रखी हुई हैं। महल से जिस शख्स ने भी ये किया है वो कोई और नहीं महमूद पाशा है। आप वो माहिदा हासिल करें, उसके बाद हम आपकी हिफाजत करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप महमूद पाशा से एक दस्तावेज चोरी करके उसे जनाब हिटलर तक पहुंचा दीजिए। अब तो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की दुकानें और उसके करीब का इलाका खरीदोगी। तुम जानती हो मेरे लिए खरीदना नामुमकिन है। बरतानवी बहरिया पेश कदमी शुरू कर देगी। बिल्कुल, आपकी मेज मजबूत हो सकती है मगर अकबा का किला तबाह हो जाएगा। जब वो जहाज लंगर अंदाज होगा तो हम मुआहिदे की नकल हासिल करने के लिए इकदाम करेंगे। बंदरगाह पर एहतियाती तदाबीर करो। ये कुछ खुफिया दस्तावेजात है पाशा, यमन तक रास्ते को कैसे लेकर जाना है, हम ये क्यों करना चाहते हैं, ये सब इसमें लिखा है। जहाज के बंदरगाह पहुंचते ही हमारे आदमी अब्दुल हमीद के जासूसों से पहले ही वो माहिता हासिल कर लेंगे। चलो यहाँ से बाहर निकलो। वो मुझे मार देंगे। फिक्र मत करो, चलो। चाचा, चाचा वो आ रहे हैं। चलो यहाँ से निकलना होगा। ओट ले लो। हमारी हिफाजत करो, जल्दी चलो।
तुम ब्रेन को नहीं ले जा सकते। इसे लेकर ही जाऊंगा मैं। देखते हैं। तुम वहां इंतजार करो। सफारतखाने का रुख लूं। जाने दो उसे, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर मुझे मारा तो तुम भी मरोगे। बहुत खूब। सबको खत्म कर दिया चाचा। तो चलो फिर आ जाओ। फियादा, लगता है आप दस्तावेजात ले आई हैं। ये बहुत आसान था। उस इंसान को बेवकूफ बनाने का रास्ता यकीनी तौर पर उसके पेट से होकर जाता है। आप वाकई बहुत होशियार हैं। जुलुफ्लू भी अक्लमंद है और अच्छा खिलाड़ी भी है। अब्दुल हमीद ये दस्तावेजात देखेगा तो सोचेगा कि उसके अंदर मौजूद जासूस महमूद पाशा है। इस तरह जुलुफ्लू उसके पहले से भी करीब हो जाएगा और हम अब्दुल हमीद के हर कदम से वाकिफ हो जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। सुल्ताने मौजूम, हम ब्रेन को बाहिफाजत ले आए। आफरीन। अब क्या करेंगे हम? हम उन्हें खुफिया तौर पर पाया तख्त से निकाल देंगे। उन्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करेंगे। सुल्ताने मौजूम, ये काम मैं बजाते खुद करना चाहता हूँ। साहिल के किनारे कैसे कस्बे में छुपाएंगे जहाँ पर बरतानवी उन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। जो हुक्म सुल्ताने मौजूम। क्या आप जानती हैं कि लोग आपको वहां देखकर बहुत खुश हुए हैं सुल्ताना? हम भी उन सब से मिलकर बहुत खुश हुए। कोचवान, दाएं जानिब चलिए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। तो क्या हम महल वापस नहीं जा रहे? फिर कहां जा रहे हैं हम? हमारे पसंदीदा बाग। सुल्ताने मौज़म, जनाब हेकलर आपके हुजूर पेश होने की इजाजत चाहते हैं। आपका क्या हुक्म है? इजाजत है पाशा, उन्हें आने दीजिए। जी बेहतर सुल्ताने मौसम। दरवाजा खोलिए। जनाब हेकलर आ जाइए। आइए। सुल्ताने मौसम, मैंने आपको बताया था
कि मैं आपके खिलाफ खुली जंग करूंगा। हम सुनकर खुश हुए थे। जब तक रियासतों के माबैन शफाफियत मौजूद है, हम किसी भी जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। इसे देख लीजिए। ये लीजिए सुल्तान मौसम जी, इन दस्तावेजात में कहा गया है कि रेलवे के रास्ते को यमन तक बढ़ा दिया जाएगा। जाती तौर पर अपनी मोहर देख सकते हैं। सुल्तान मौसम, हम जानते हैं कि आपका मकसद क्या है। देखिए, हमने 1757 में प्लसे की जंग से हिंदुस्तान पर कब्जा किया और एक कंपनी ने उसे 101 साल तक चलाया, पूरे 101 साल तक। और उस कंपनी के पास भी एक फौज थी। हमने हिंदुस्तान पर कब्जा करने और उसे बरकरार रखने के लिए बहुत रकम अदा की है। हिंदुस्तान की तमाम दौलत बरतानिया की वजह से है। लेकिन अब आप हमारे खिलाफ बगदाद रेलवे का खेल खेल रहे हैं ताकि समंदर के जरिए हमारी आमदोरफ्त को रोका जा सके और तसल्लुत कायम किया जा सके। और फिर अकबा का मसला, स्विस नहर को गैर फाल बनाने के लिए। लेकिन आप यहां नहीं रुके, अब आप रेलवे को यमन तक पहुंचाना चाहते हैं। देखें सुल्तान मौसम, सच तो यह है कि आपकी उम्र इन इकदामात के लिए काफी नहीं है। आप बर्तानिया को बोहे रोम हत्ता के समंदर की मौजों में फंसाने के लिए इकदामात कर रहे हैं, लेकिन बर्तानिया कभी भी अपने निजाम को खराब होने नहीं देगा। देखें, मैं आपसे कहता हूं, ऐसा मत कीजिए, इतना आगे मत बढ़िए। जनाब हेकलर, हम मुखलिसाना तौर पर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, मुझे आपके अखलाक पर यकीन है, सुन रहा हूं। हम जब तक जिंदा हैं, आपको सुख का सांस नहीं लेने देंगे। आपके खिलाफ खुली जंग करेंगे। लेकिन हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। वो क्या? हम मर जाएंगे, एक दिन हम इस जमीन में दफन हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हम आप जैसे जालिमों का मुकाबला करते रहेंगे। आपके लिए एक बुरी खबर भी है, चाहे हम मर जाएं, चाहे दफन हो जाएं, आपके खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। क्योंकि इस्लाम मजलूमों के हकूक की हिफाजत करता है, जालिमों को उनकी हद याद दिलाता है, और सच्चे मुसलमान दुनिया में अल्लाह की मदद से इंसाफ और खुशहाली के लिए काम किया करते हैं। आप हमें अपना ताबेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम बुतों को तोड़ता है, हम भी आपको तोड़ देंगे जनाब हेकलर। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। महमूद पाशा को गिरफ्तार कर लीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्ताना, ठंड काफी बढ़ गई है, क्या हम वापस बग्गी में चले? मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि कहीं आप ठंड से बीमार ना हो जाए। क्या मैं बग्गी से आपकी चादर ले आऊं? हमें सर्दी नहीं लग रही गुलजमाल, परेशान मत होइए। सुल्ताना, आपको तो तेज बुखार हो रहा है। कमालुद्दीन, सकीना, आज शाम खाने में अनवा व अकसाम के खाने होने चाहिए, जैसे भुनी हुई मुर्गी हो और मुर्गी का पुलाव हो, मीठा भी हो, हाँ खट्टी कैरी की चटनी भी होनी चाहिए, ठीक है? क्या आप ये सब खाएंगे? नहीं बेटी, मैं खाना अपने सामने रखूंगा और इस तरह अपनी आंखों से देखता रहूंगा। यकीनन मैं ये सब खाऊंगा। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो, सिपाही आ रहे हैं। तो आने दीजिए। मुसल्ला फौजी पाशा, वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। मुसल्ला फौजी मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं? अल्लाह, जल्दी करो। या अल्लाह,
सकीना, मुसल्ला फौजी मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। लेकिन वो लोग मुझे क्यों गिरफ्तार करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने आपके लिए जाल बिछाया है। वो लोग आपका इस्तेमाल करके महल से दस्तावेज ले गए। अब सुल्ताने मौसम सोचते हैं कि आप गद्दार हैं। ये सब किसने किया और आपको ये कैसे मालूम? सबाहतीन ने बताया है। सबाहतीन को आप कैसे जानती हैं? देखिए महमूद पाशा, आपको मुझ पर एतमाद करना होगा। मुझे यहाँ सबाहतीन ने भेजा है। मेरी बग्गी के साथ हादसा, मेरी बीमारी, मेरा यहाँ पर रहना, ये सब सबाहतीन का मंसूबा था। उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन मेरे बाबा मुश्किल में होंगे और मुझे उनकी हिफाजत करनी होगी। दरवाजा खोलो। मैं क्या करूँ महमूद पाशा, दरवाजा खोल दो। मत खोलना, मत खोलना, मत खोलना। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है पाशा, मुझ पर यकीन करें। अगर आप मेरे साथ आए तो आपको एक बहुत बड़े बहुतान से निजात मिल जाएगी और आप अपने बेटे से भी मिल सकेंगे। चलो पाशा, हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी करो, जल्दी तलाशी लो हर जगह की। ठीक हूँ बेटी, बस कमर टूट गई है मेरी। पता नहीं आफत मुझ पर कैसे आ गई है। कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्या महल में आपसे कोई हसद करता है? बहुत बहुत लोग। सुल्तान मौसम का सबसे पसंदीदा, सबसे काबिल एतमाद और सबसे अक्लमंद पाशा हूँ मैं। बहुत से लोग मुझसे हसद करते हैं। लेकिन अगर ये पूछती है कि कौन ज्यादा हसद करता है, हाँ सुल्लुफलू पाशा, वो मुझसे नफरत करता है। सबाहतीन ने मुझे बताया था उनके बारे में। जुल्फलू पाशा सबाहतीन को जानता है? वो सबाहतीन को जानता है तो जरूर वो गद्दार है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा बेटा है। दरअसल वो सबाहतीन हमेशा से ही बुरे ख्यालात का हामिल रहा है। मैं उसका बाबा हूँ, जानता हूँ उसे। वो पैदाइशी गद्दार है। लेकिन आज आप उसी की बदौलत बच गए हैं। कहते हैं ना, खराब घड़ी भी दिन में दो बार सही वक्त बताती है। इन सब झूठ और साजिशों के बीच में बस एक ही काम सही किया है सबाहतीन साहब ने। चले बाकी चले। महमूद पाशा गायब है, उस मायदे का कुछ इल्म नहीं। सुल्तान मौज़म, महमूद पाशा हर जगह मतलूब है। लेकिन महमूद पाशा आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या वही हैं जिन्होंने बरतानिया को मालूमात दी? महमूद पाशा ने एक वक्त पर गलतियां जरूर की हैं, लेकिन उन्होंने माफी मांगकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब कर लिया था। हमने महमूद पाशा का इम्तिहान लेना चाहा था, अहम दस्तावेजात उन्हें दी, लेकिन वो दस्तावेजात जनाब हैकलर तक पहुंच गईं। अगर वो गद्दार ना भी हों तो क्या पाशा होने के लायक हैं? बताइए हमें। वो अहम दस्तावेजात की भी हिफाजत नहीं कर सके। ये दुरुस्त है सुल्तान मौसम, लेकिन दुश्मन हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। हो सकता है महमूद पाशा भी उनके किसी खेल में फंस गए हों। महमूद पाशा को हम एक मिसाल बनाना चाहते हैं पाशा, क्योंकि उनसे अहम दस्तावेजात की हिफाजत नहीं हो पाई। कैसी मिसाल सुल्तान मौसम? बहुत अरसे पहले की बात है कि एक शख्स ने हजरे अस्वद से टुकड़ा तोड़ा और उसे इस्तांबुल लाया ताकि वो सुल्तान से तहफ का भरा हुआ संदूक ले सके। सुल्तान ने उस आदमी को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसकी अच्छी तरह पिटाई करें। लोग हैरत से सुल्तान की इस हरकत को देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर सुल्तान ने ऐसा क्यों किया। सुल्तान ने कहा कि अगर हम उसके काम की तारीफ करते तो हजरे असद का कोई टुकड़ा भी बाकी नहीं बचता, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। तो चलिए हम भी अपने पाशा हजरात को झंझोड़ देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि एतमाद का क्या मतलब है। महमूद पाशा को हम इसी वजह से गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप हक पर हैं सुल्तान मौसम। हम थक चुके हैं पाशा, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दीगर रियासतों के इत्तेहाद कायम हो रहे हैं। हम बरतानिया से सिफारती सतह पर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या फतह हासिल करना पाशा हजरात और आसपास के लोगों के साथ मुमकिन है?
अल्लाह हमें दुश्मनों से शिकस्त खाने से महफूज रखे। आमीन सुल्तानी मौसम, आमीन। आ जाओ। जनाब हेक्लर। ओ, वो आपके साथ बुरी तरह पेश आए। मैं बंदरगाह पर उन सब से इसका बदला लूंगा, उन सबको मारकर। आपसे यही तवक्को है, मगर अब तक मायूसी हुई है। आपने ब्रेन को भागने दिया। ब्रेन गैर अहम है, जब वो बंदरगाह पर आएंगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये आप कैसे करेंगे? आपने तो अपने सभी आदमियों को खो दिया है। मैंने कुछ नहीं खोया जनाब हेक्लर। उस खलील खालिद नामी जासूस का एक पुराना दुश्मन मेरे साथ है। वो कौन है? नामिक नाम का शख्स है, मैंने उसे रकम दी है। वो अर्मेनी दहशतगर्द लाएगा, हम मिलकर बंदरगाह जाएंगे। ये ठीक रहेगा। बाबा जान। प्यारी बेटी, क्या आपको महल की आदत हो गई है? हमें आदत हो गई है बाबा जान। बेटी फातिमा आलिया को याद करने के अलावा और कोई शिकायत नहीं है। इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप बहुत जल्द हमारी नवासी से मिलेंगी। इंशाल्लाह। हम आपसे एक ऐसे मसले पे बात करना चाहते हैं जो हमें बेचैन कर रहा है। हमें यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि आपके और बिदार सुल्तान के दरमियान कोई नाराजगी है, जब ही आपने हमें हरम की जिम्मेदारी सौंपी। ताहम इस मसले की वजह से बिदार सुल्तान बहुत अफसुर्दा हो गई हैं। जब तक आप उन्हें मुआफ नहीं कर देते, वो ऐसे ही मायूस रहेंगी। जैसा कि मौलाना रूमी फरमाते हैं, किसी से ऐसे प्यार करें कि जैसे कोई पानी का प्याला लेकर इफ्तार के वक्त का इंतजार करता है। बिदार सुल्तान भी आपका इंतजार कर रही है जैसे वो रोजे से हों। क्या वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती हैं? वो हिम्मत हार रही हैं, क्योंकि आपने एक लफ्ज भी कहे बगैर उनके खतूत वापस लौटा दिए। हमने पहली बार बिदार सुल्तान को इस कदर रंजीदा और बेबस देखा है बाबा जान। उन्होंने हमसे कहा था कि आपकी खुशी के लिए हरम के निजाम के मुतालिक जो भी जरूरी हो हम वो कर सकते हैं। और बाबा जान, नाइमे भी आपकी बिदार सुल्तान के साथ नाराजगी देखकर बहुत अफसरदा है। अब आप हमें बताएं कि इन हालात में हरम का इंतजाम हम कैसे संभालें? क्या तुमने कश्ती वालों से बात कर ली? जैसे ही जहाज बंदरगाह पे आएगा तो तमाम कश्ती वाले असलहे के साथ उसका घेराव कर लेंगे। तुम काम करने वालों से कहो कि वो छुट्टी कर लें, क्योंकि हमारे आदमी की जगह ले लेंगे। असलहा तुम्हारे जिम्मे होगा, तुम सबको असलहा फराहम करोगे। बंदरगाह का दाखिली और खारजी रास्ता बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई जानी नुकसान हो। जनाब हेक्लर, अब्दुल हमीद बुला रहा है आपको। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। मुझे रुस्वा मत करना गोल्डस्मिथ, मत करना रुस्वा। अब्दुल हमीद का एक भी जासूस बंदरगाह से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। इसरार मत कीजिए जुल्फत। क्या किसी को खाने से मुंह मोड़ना चाहिए मलिका बिदार? सुल्ताने मौसम, हमें नहीं मालूम था कि आप आए हैं। हमें अपनी मोहब्बत याद दिलाने के लिए आपने हमें माजी में भेजे गए खतूत भेजे। हद से तजावुज करने पर माफी चाहते हैं, लेकिन
हमें लगा कि आपने वो नहीं पढ़े। हमने पढ़े, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं आया कि हम आपसे मोहब्बत क्यों करते थे। शायद इसकी वजह यह है कि जब आप शर्मिंदा होती हैं तो बच्चों की तरह सर झुका लेती हैं, या शायद इसलिए कि कभी आपने मोहब्बत के हुसूल की जंग से पीठ नहीं फेरी, या फिर शायद आप हमारे बच्चों की मां हैं, हमारी जौजा हैं, और सबसे बढ़कर यह कि आपको इस वतन से प्यार है। यही वजह है कि हमें आपसे मोहब्बत है। सुल्ताने मौसम, हमें सब याद है, हम कभी आपको नहीं भूले। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं मलिका। हमें उस नाराजगी को दूर करने के लिए बस कुछ वक्त दरकार था, और वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने सब्र किया। लेकिन अब हम आपके साथ हैं और खुश हैं। क्या सब तैयार है दादा? जी जनाब, आप बेफिक्र रहिए। चाचा, जहाज करीब आ रहा है। जहाज के लंगर अंदाज होते ही हम अंदर चले जाएंगे। क्या तुम खलील खालिद को मारना चाहते हो? उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं सिर्फ उसे ही नहीं, उसके सब साथियों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम इन सबको खत्म कर दो। चलो। चाचा, वो जहाज में दाखिल हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उस्मान, हमला करो। अब हम क्या करें जनाब? हम भी दाखिल होंगे। हिम्मत है तो आगे बढ़ो, तुम्हारे पहुंचने से पहले हम जहाज को तबाह कर देंगे। हम क्या करेंगे चाचा? जनाब हेकलर, जहाज में उस्मानी जासूस दाखिल नहीं हो सके, दस्तावेजात महफूज हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, शाबाश। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेहयाब रहें।
सुल्तान मौसम, हमने आपके हर हमले को नाकाम बना दिया। हम आपके महल से मुहैदे के दस्तावेजात ले गए, आपने एक इकदाम किया और लंदन से उसकी नकल मंगवा ली, लेकिन हमें मालूम हुआ है कि आप उसे हासिल करने में नाकाम रहे। अब मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी शिकस्त कबूल कीजिए और अकबा के मामले से दस्तबरदार हो जाए। अगर हम ये कहें जनाब हेकलर कि उस जहाज में हमारा एक जासूस मौजूद था, जहाज के बंदरगाह पे लंगर अंदाज होने से पहले ही हमारा जासूस वो मुआहिदा हमारे पास ले आया। ये मुमकिन पाशा? जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। अच्छी तरह देख लीजिए कि अकबा के मामले में हमें कानूनी तौर पर तमाम इख्तियारात हासिल हैं। ठीक है, मगर हम मैं... बात कर रहे हैं इस मुआहिदे के मुताबिक अकबा उस्मानियों का है। शिकस्त आपको हुई है जनाब हेकलर। क्या हमारे फौजी अकबा पहुंच गए हैं पाशा? जी वो पहुंच गए हैं। किले में तोपबरदार दस्ता तैनात किया गया है। सुना है बरतानवी सूरतेहाल का संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। हमारे पास कानूनी दस्तावेजात हैं पाशा, लेकिन कब हमारे दुश्मन हक और सच के कायल हुए हैं? इजाजत दीजिए सुल्ताने मौसम। ठीक है, जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा फरार हो गए हैं। सिपाहियों ने उनके घर की तलाशी ली, लेकिन वो उन्हें तलाश न कर सके। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा पर पहला शुबा किया गया है वो मफरूर है। हो सकता है कि वो किसी जाल में फंस गए हों। ये मुमकिन है पाशा, लेकिन जुल्फुल इस्माइल पाशा के मुताबिक महल से वो दस्तावेजात निकालने वाले और हेकलर तक पहुंचाने वाले महमूद पाशा थे। ये जानने के बाद हमने उन्हें कुछ अहम मालूमात दी और हमने देखा कि वो भी अफशा हो गई। महमूद पाशा शायद किसी जाल में फंस गए होंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि सबाहतीन महमूद पाशा के बेटे हैं। हो सकता है कि दुश्मनों ने उनके बेटे को इस्तेमाल करके महमूद पाशा को मजबूर किया हो। अहमद जलालुद्दीन पाशा, महमूद पाशा को तलाश करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम आपको इससे ज्यादा अहम फरीजा सौंपते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट हमारे लिए काम कर रहे थे, ब्रेन को काम करने के लिए आपने कायल किया। उसे अब भी अपनी ही हिफाजत की फिक्र हो रही है। उन दोनों की हिफाजत के जिम्मेदार हम हैं पाशा। अब आप उन्हें बाहिफाजत बाहिर एजियन के जजीरे मुंतकिल करेंगे। जैसा आपका हुक्म। शिकस्त आपको हुई है जनाब हेकलर, आपको हुई है। जनाब हेकलर, हमारा मंसूबा कामयाब रहा, वो जासूस जहाज में दाखिल नहीं हो सके। जनाब हेकलर, अब्दुल हमीद के जासूस जहाज में दाखिल नहीं हो सके, वो उस मुआहिदे को हासिल नहीं कर सके। वो ऐसा भेड़िया है जो एक ही वक्त में पूरे जंगल को देख रहा है। वो खुद तो जंगल के बीच में बैठा है, लेकिन पहाड़ों और बड़े दरख्तों के पीछे गारों में क्या हो रहा है वो सब कुछ देख रहा है। जनाब हेकलर, उसके जासूस जहाज में दाखिल नहीं हो सके। जनाब गोल्डस्मिथ, जब मैं महल गया तो लंदन से आने वाली नकल अब्दुल हमीद के हाथ में ही थी। क्या ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता, मगर मुआहिदा उसके हाथ में ही था।
आ जाओ। ब्रेन कहाँ है हम जानते हैं। लंदन से उसी ने मुआहिदे की नकल मंगवाई और हमारे लिए परेशानी का बाइस बना। मैं उसे कत्ल करना चाहता हूं। ये जंग मालूमात की जंग है गोल्डस्मिथ, और इस जंग में हम हर प्यादे को आखिर तक इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम पहले उस ब्रेन से फायदा उठाएंगे, फिर उसे मार देंगे। हम क्या करेंगे? क्या बारूद आ गया? जी आ गया है। बंदरगाह पर उनसे निमटते वक्त हमने उसका बंदोबस्त कर लिया था। बहुत खूब, अब हम उस बारूद की बदौलत ये जंग जीतेंगे। बारूद को महफूज जगह पर पहुंचाने के बाद मैं ब्रेन के मामले से निपटूंगा। हम उसका ताकुब करेंगे। ठीक है। शिकस्त सिर्फ तुम्हें होगी अब्दुल हमीद, याद रखना सिर्फ तुम्हें होगी। हमें जहाज में दाखिल होना चाहिए था चाचा, फिर जो होता देखा जाता। जहाज में बेगुनाह लोग भी थे उस्मान, हम उन्हें कैसे खतरे में डालते? अब हम क्या करेंगे? हमारा काम उनका ध्यान बटाना था और ये काम हमने बखूबी किया। मुआहिदे की नकल तो पहले ही सुल्तान मौसम तक पहुंच गई थी, फिक्र मत करो। क्या ले जा रहे हो तुम लोग? हाँ, बारूद ले जा रहे हैं। कहाँ से लिया है ये? जो जहाज लंगर अंदाज हुआ है उससे। कहाँ ले जा रहे हो इसे? चाचा, ये कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? अस्करी तरबियत का ले जा रहे हैं, फौजियों की तरबियत के लिए। कुछ देर पहले यहाँ झड़प हुई है, आप जानते हैं ना? जानते हैं चाचा, हमने एहतियाती तदाबीर की हैं, जख्मियों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। ठीक है, ख्याल से जाना, वो तुम्हारा रास्ता न रोक ले। बेफिक्र रहें चाचा, अल्लाह आपकी जान पर रहम करे चाचा। जनाब, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। ठीक है तातार। रॉबर्ट साहब, तैयार हो जाए, हम जा रहे हैं। कहाँ? ऐसी जगह जहां आपको कोई भी तलाश ना कर सके, बाहरा एजियन में। क्या आप मेरी जान की हिफाजत की जमानत देते हैं? अगर आप उस्मानियों से गद्दारी नहीं करेंगे तो जिंदा रहेंगे, फिक्र मत करें। चलिए जल्दी कीजिए, हमें रास्ते से किसी और को भी लेना है। किसे? ब्रेन। सिफारतखाने में काम करने वाला ब्रेन? जी हाँ, सिफारतखाने में काम करने वाला ब्रेन। हमने उसे अपने लिए काम करने पर कायल किया है और उसने अपना फर्ज बखूबी अदा किया, हमें उस पर पूरा एतमाद है। क्या हुआ? उस जजीरे पर आपके साथ एक पुराना दोस्त होगा जिसके साथ मासी को याद कर सकेंगे, क्या आप खुश नहीं है? मैं समझ नहीं पा रहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा कसूर आखिर क्या है? आपका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई है जिसने मुझे इस्तेमाल किया है। वैसे मुझे किसी पर शक तो है, मगर यकीन नहीं है। कौन? जुल्फ़लु पाशा। वो जुल्फ़लु पाशा यकीनी तौर पर गद्दार है। गद्दार जुल्फ़लु पाशा। मैं महल जाऊंगा और सुल्तान मौज़म को बताऊंगा। महमूद पाशा पुरसुकून हो जाए, चलिए बैठ जाइए यहाँ। लेकिन बेटी, बेटी बैठ गया मैं। सबाहतीन और करासू को आने दीजिए, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। करासू आएगा? बेटी, करासू मर चुका है,
उसको मरे अरसा बीत गया, कहां से आएगा? देखिए, मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आप पर बहुत एतमाद है। करासू जिंदा है और मैं उनकी बेटी हूँ। क्या, तुम करासू की बेटी हो? जी हाँ। बेटी, तुम इतने अरसे से मेरे घर में हो, इस बारे में बताया क्यों नहीं? ये ही मुनासिब था। देखें, हमें आपकी मदद करने दें। यकीनन मैं तुम्हें अपनी मदद करने दूंगा, लेकिन सबसे पहले वो जुल्फ़लू पाशा, उसने मुझे इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, मुझे उसके बारे में जानना होगा। आप क्या करेंगे? वो जुल्फ़लू पाशा खुद देख लेगा। एक मंसूबे के जरिए मैं उसका इम्तिहान लूंगा। बंदरगाह पे बग्गियों में बारूद ले जाया जा रहा था। जब मैंने तफ्तीश की तो दो सिपाही आए और कहने लगे कि वो बारूद अस्करी तरबियत गाह ले जा रहे हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया जनाब। अगर हम उस मुआहदे की नकल से महरूम ना होते तो ये और भी बेहतर होता। अगर आप कमालुद्दीन के पैगाम की बात कर रही हैं तो हमने वही किया है जो आपने कहा था। हमने नायमी को वो नहीं दिया। मेरे साथ ये सब कुछ तहसीन पाशा ने किया है, मुझ पर बहुतान लगाया है। वो हमेशा ही मुझसे हसद करते रहे हैं, आप जानते हैं। जनाब ब्रेन, हम साथ जाएंगे। अहमद पाशा रॉबर्ट और ब्रेन को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहा है। अगर वो पाए तख्त से निकल गए तो हम उन्हें दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे। फिक्र मत करो तुम, वो बाहर नहीं जा पाएंगे।